सबसे पहले बात करेंगे रायबरेली का किला बचाने के लिए कांग्रेस तमाम सियासी रंजिश भुलाकर सबको गले लगाने में जुटी है। इसके तहत बीजेपी के पूर्व सांसद अशोक सिंह के बेटे भुलाकर सबको गले लगाने में जुटी है। इसके तहत बीजेपी के पूर्व सांसद अशोक सिंह के बेटे मनीष सिंह को कांग्रेस में शामिल कराया गया। मनीष सिंह 2017 में बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने को तैयार है। विधायक आदित्य सिंह और राकेश सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकी ने कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ाई है। हैरानी इस बात की भी कि प्रियंका गांधी दो दिन से रायबरेली में हैं, लेकिन ना तो राकेश सिंह और ना ही आदित्य सिंह उनसे मिलने पहुंची। इसलिए मनीष सिंह को साथ लाकर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। मनीष सिंह ने भी दावा किया कि कांग्रेस की मजबूती के लिए वो पूरी मेहनत से काम करेंगे। प्रियंका गांधी जी के विचारधारा से, उनके सक्रिय राजनीति में उत्तर प्रदेश में कूदने के बाद ऐलान के बाद से उनसे प्रभावित हैं और उनके काम करने के तरीके से प्रभावित हैं। हमारा काम पार्टी में काम करना, मेहनत करना, संगठन को मजबूत करना, और पार्टी कब मजबूत हो रही है कब कमज़ोर हो रही है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम लोग संगठन में काम करके मजबूती देंगे तो पार्टी हमेशा हमारी मजबूत ही रहेगी। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, कितना अहम है इनका कांग्रेस में शामिल होना, खासकर सियासी लिहाज से समीकरण अगर देखे रायबरेली के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मनीष सिंह आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं और प्रियंका गांधी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मनीष सिंह को शामिल करवाया है कांग्रेस में। और जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस के घर में ही कांग्रेस के दो विधायक कहीं पार्टी लाइन से अलग हट के नजर आ रहे हों, ऐसे में उन्हीं विधायकों में से एक के भाई को पार्टी में लाना स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये सियासत में, रायबरेली की सियासत में कुछ ना कुछ तो ठीक करेगा ही। और एक चीज और, अभी अगर विवेक देखें तो आदित्य सिंह नहीं पहुंची, राकेश सिंह नहीं पहुंची, उनकी दूरी जो यज्ञ किया गया प्रधानमंत्री के लिए या आदित्य सिंह का विधानसभा में उपस्थित होना बता चुका है क्या दूरी है, कितनी तल्खी है, लेकिन अभी कोई बात हो पाई है उनसे, क्योंकि अभी तक तो मिलने नहीं पहुंचे प्रियंका गांधी से? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी दो दिन हो रहा है, आज दूसरा दिन है प्रियंका गांधी का जनपद में, और वो एक प्रशिक्षण कार्यशाला को, हालांकि वो प्रशिक्षण कार्यशाला को यहाँ पे अटेंड कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोगों से भी मिल रही है, अन्य कार्यकर्ताओं से भी मिल रही है, सिर्फ प्रशिक्षण की ही बात नहीं है। ऐसे में दोनों विधायक अगर नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ तो उनके मन में है या कुछ दूरी जरूर है कांग्रेस से। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम बातचीत के लिए।